सीआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ई सिगरेट और गांजा सप्लाई करने वाली गैंग का खुलासा हुआ। इसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनका नाम रवि और शाहनवाज है। इसमें तीसरा व्यक्ति जो इनको सप्लाई करता था, इसका नाम जितेंद्र वालिया है, उसको वांछित किया, जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से 2500 के आसपास ई सिगरेट बरामद हुई। एक ई सिगरेट की कीमत मार्केट में आमतौर पर 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास होती, तो करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर का इनके पास से ई सिगरेट बरामद हुई। उसके अलावा इनके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद हुआ है, और इनके पास से हुक्का और हुक्के के फ्लेवर की भी कई चीज़ें बरामद हुई। और उस हुक्का और हुक्के के जो मटेरियल है, उनकी आड़ में ये लोग ई सिगरेट और गांजा की सप्लाई भी करते थे। इनके पास से वो गाड़ी बरामद भी हुई है, जिससे ये लोग इसकी सप्लाई कर रहे थे। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो ई सिगरेट लाते थे, ये विदेशों से, खास करके कुछ जो इंडिया के वेस्ट की तरफ में जो देश है उनकी तरफ से, वहाँ से सप्लाई करते थे, उसके बाद ये लोग आगे ले जाते थे। आगे अभी इसमें एक व्यक्ति को वांछित भी किया हुआ, जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है सर? इसमें एक जो व्यक्ति वांछित किया हुआ है, उसको पहले दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ा हुआ है, और बाकी लोगों की हिस्ट्री देखी जा रही है। सर, कब से कर रहे थे यहाँ पर नोएडा में? तो ये लोग नए नए आए थे, और जैसे ही इन्होंने आए थे तुरंत ही इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसके अलावा ये लोग पहले, जब इन्होंने पूछताछ से बताया, तो इन्होंने दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, नहीं दिल्ली में ये लोग इससे पहले ये काम को कर रहे हैं। सर, ये कहाँ से लेके आते थे? ये लोग दिल्ली और हरियाणा की तरफ से ये लोग लेके आते थे। सर, हर बार इसी गाड़ी का यूज करते थे? नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग गाड़ी का यूज करते थे। इसी गाड़ी से? नहीं, इस गाड़ी हमने जो गाड़ी इन्होंने ई सिगरेट को लाने के लिए पकड़ी, हमने उस गाड़ी को पकड़ा है। इस घटना में जो गाड़ी है उसको।